हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका रेफरेंस नंबर कैसे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने पेटीएम एप्लीकेशन से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम वॉलेट से या बैंक से, अब आप लोग किसी रीज़न की वजह से आप लोग उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर कैसे देखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर कैसे देखते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर कैसे देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर कैसे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पेटीएम के ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर देखने के लिए आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब आप लोग को मिल जाता है बैलेंस एंड हिस्ट्री। अब जैसे आप लोग बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर देखना चाहते हैं। जैसे ये 20,000 ये माइनस है, यहाँ पे मैंने जो है ट्रांसफ़र किए हैं अपने बैंक से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसका जो रेफरेंस नंबर है वो आप लोग यहाँ पे जो है दिखाई दे जाएगा, यूपीआई रेफरेंस नंबर। ये देख सकते हैं यूपीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये हमारे जो है रेफरेंस नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लोग वॉलेट से अपने पेटीएम वॉलेट से करेंगे तो UTR करके नंबर जो है शो करेगा आप लोगों को अलग से। तो आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल सही देखना है कि जो UTR नंबर आए वही रेफरेंस नंबर है। और आप लोग अपने कस्टमर केयर से बात करके अपना रेफरेंस नंबर और UTR नंबर को बता के आप लोग अपने जो ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग पेटीएम के जो ट्रांजैक्शन है उसका UPI रेफरेंस नंबर पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को पेटीएम UPI रेफरेंस नंबर पता करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।